एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ होता है, खास करके फ्राइडे वाले दिन बहुत ज्यादा। इसका लेना देना इससे नहीं कि आप सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ रहे हो या नहीं। कहते भाई आपके व्लॉग देखकर हम एमयू में एडमिशन ले लिए, बट आने के बाद पता चला यहाँ पर रूम मिलता नहीं है। कई दिनों तक पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। फ्राइडे का दिन है, अभी जा रहे थे जुमे की नमाज के लिए, बट एम्प्टी नहीं उठा सकते क्योंकि ये अंदर खड़ी है। इसको राउंड लगा के ले जाना, एक किलोमीटर और एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो हमने सीटी जो उधर हॉस्टल में खड़ी की है उसको उठाएंगे। काफी मिलता जुलता नाम है, एम्प्टी सीटी। इससे पहले मेरे पास थी RTR, उसमें भी टी था, सब में टी टी टी। इमरजेंसी में उधर से निकलने के लिए आसानी रहता है, अदरवाइज ये वाला जो हॉस्टल है इसको पूरा घुमा के फिर 1 किलोमीटर का रेंज है टोटल, वो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और 10 मिनट में जो है खुतबा स्टार्ट हो जाएगा। तो खुतबे के पहले हमें पहुंचना है, उस हदीस पर अमल करना है, वरना फरिश्ते जो है रजिस्टर बंद करके चले जाएंगे, फिर सवाब मिलेगा नहीं। कई बार लेट भी हो गया, कई बार जल्दी भी पहुंचे हम। 2 या 3 दिन से अलीगढ़ में जो है लगातार बारिश हो रही थी। कल मैंने व्लॉग करना स्टार्ट भी किया था बट बीच में फिर एंड करना पड़ा, एक पेड़ शहीद हो गया है। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि फिर कैमरे पे जो है पानी लग जा रहा है, फुटेज खराब आने लग रही है। एक सही हदीस है, उसको कुछ मुहद्दिस ने सही भी बोला हुआ है। इसमें आता है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारिश के वक्त अगर कोई दुआ करता है तो रिजेक्ट नहीं होती है, बट दुआ भी आप ऐसी करो कि जिसमें चांसेस ऐसे हो कि आपको बुरा न लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, आपको अपने हक में बेहतर नहीं पता होता कि आपके हक में बेहतर। फॉर एग्जाम्पल कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है तुम अपने लिए कोई चीज़ को अच्छी ना समझो, बुरी समझो, मगर वो अच्छी हो तुम्हारे लिए। इस लिहाज से अगर सोचो तो हम अपने लिए बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे प्रूव टू बी वर्दी फॉर अस। उसके लिए जब आप दुआ किया करो ना तो स्पेसिफिक चीजें मत मांगा करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी शादी फलाह खातून से करा दे, मेरे को ये मिल जाए, ये बाइक मिल जाए, कार मिल जाए, नहीं। उससे अच्छा बोलो जो मेरे हक में बेहतर है वो मिल जाए, और जो मेरे हक में बेहतर नहीं है वो मेरे से दूर रहे और उस पर मुझे सब्र भी रहे, ये सब्र भी मांगो। रोड वगैरह भी ब्लॉक हो गया था, पूरा पानी भरा हुआ है। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ बनने की कगार पे है, डेवलपिंग जो चीज़ रहती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब डेवलप हो जाएगा तो अलग बात है, शायद इंशाल्लाह सही हो जाए, बट अभी जो है पूरा रोड वगैरह ब्लॉक हो जाता। तो हमने इधर पार्क की थी, ये इधर से आसानी, उधर से गेट से हम लोग निकल जाएंगे बड़े आराम से। बस इसमें थोड़ा मसला हो गया है, इसकी बैटरी वीक हो गई तो किक मारना पड़ता है, अदरवाइज ये अभी भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। तीन मिनट बाकी अभी खुतबा स्टार्ट होने में, पहले ही पहुंच गए। नमाज हमने पढ़ ली, अभी जा रहे थे हम हलीम लेने के लिए, उसके बाद फिर डाइनिंग हॉल से उठाएंगे बिरयानी फिर खाएंगे। आज जो है धूप बहुत जोर की निकली हुई है, हम लोग नमाज जब पढ़ रहे थे बाप रे बाप पसीने से पूरा भीग गए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर था लाइट का, सनलाइट का, उसकी वजह से बहुत गर्मी हो रही थी। खैर अभी थोड़ा छांव हो गया। भैया इधर सारे पेड़ वगैरह गिराए जा रहे हैं पता नहीं क्यों। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की, थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ रहा है, ये सब चंगा सी। और ये हॉस्टल की मस्जिद में लोग जुमे की नमाज के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आधा घंटा लेट होती है। खाना खाने के बाद मैं सोया तो नहीं बट ऐसे वक्त कट गया, अभी असर का वक्त हो गया। मेरे साथ एक मसला है, हर फ्राइडे को जो होता है पिछले 3-4 सालों से होता है कि हर फ्राइडे को मैं इतना लो फील करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे रेस्टलेस फील करता हूँ, एनर्जी नहीं रहती और डिप्रेस टाइप का, अंदर से उठने का मन नहीं करता है, नमाज़ वगैरह पढ़ने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों रहता। मगर वो है ना दिमाग में कि छोड़ दूंगा तो क्यों एक नमाज़ छोड़ना, उसकी वजह से उठ के पढ़नी पड़ती है। रोज़ नहीं रहता है बट मेनली ऑन फ्राइडे। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों को होता होगा, एक दिन होता होगा पर्टिकुलर जिस दिन आपको बहुत अच्छा ही लगता होगा या फिर डिप्रेस्ड फील करते होगे, ऐसा होता रहता है। ईमान का जो ग्राफ है ऊपर नीचे होता रहता है, उसके चक्कर में आपको फ्राइज नहीं छोड़ने, मेरे से छूटता नहीं है, बस मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ होता है, खास करके फ्राइडे वाले दिन बहुत ज्यादा। इसका लेना देना इससे नहीं कि आप सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ रहे हो या नहीं, फिर सूर्य कहफ पढ़ रहे हो या नहीं,
या फ्राइडे वाले दिन जो चीज़ें करनी है वो कर रहा नहीं, वो दैट डजेंट मैटर मेरे साथ, मतलब होता है मैं कुछ भी कर लूँगा, सारे सुबह के अजकार जो है वो पढ़ता हूँ, फिर कुरान भी पढ़ लो उसके बाद भी होता है। ऐसा है नहीं कि अगर कोई चीज़ छोड़ दो उसके वजह से हो रहा है, ये हमेशा का ही हो गया, मतलब हर फ्राइडे को होना है। इसका जो PPF इधर से ख़राब हो रहा था मुझे काट के निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नासूर की तरह फैलते 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 पूरा PPF ख़राब कर देगा। अब इसको काट के निकाल दिया, सही हो गया, कम से कम अब फैलेगा नहीं। सो गाइस अभी आए थे कैंटीन पे, इधर से शेक पीते हैं फिर बाहर निकलते हैं कैंपस के। इधर जब से मैंगो शेक मिलना बंद हो गया तब से मैंने इधर आना कम कर दिया है, क्योंकि मैंगो शेक मुझे ज़्यादा पसंद है। अभी फिलहाल मिक्स्ड फ्रूट शेक मिलता है जिसमें ज़्यादातर बनाना रहता है क्वान्टिटी में। बनाना से याद आया, इसके भी अलग अलग प्रोनंसिएशन है, नहीं मेरी जबान लड़बड़ा रही, पता नहीं, आई डोंट नो, बनाना बनाना ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोनंसिएशन है, फलाना ढिमकाना, हम तो केला बोलेंगे। टहलते घूमते हम लोग सुनसान से वीरान सी जगह पर आ गए, पता नहीं कौन सी जगह है, एमयू का ही पार्ट है, बट अभी तक मतलब मैं अंदर आके एक्सप्लोर किया ही नहीं था कभी। अभी हम लोग अंदर आए थे सुलेमान हॉल के कैंटीन पे, क्योंकि इधर कैंटीन पे ज्यादा माल मलिदा मिलता है, अपने कैंटीन पे कुछ मिलता नहीं है, और हमें लेकर आए थे ये पुराने जमाने वाली कैंटीन है, ये पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल है ना, नहीं बरगद के पेड़ के नीचे, इधर से चुड़ैल वगैरह भी आते रहते हैं साथ में चाय पानी के लिए। यहाँ से भाई पूरा घर बनाने के फिराक में, चेयर टेबल अब तो पूरी जागीर खड़ी कर दी है। मेरे लिए कुछ नहीं लाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या यहाँ पे? मगरिब का वक्त हो गया है, अजान हो गई, जा रहे नमाज पढ़ने। हमें चाय नहीं मिली ना कोल्ड ड्रिंक मिली, कुछ नहीं, मेरे को प्यास लगी थी, प्यास वैसी की वैसी रह गई। अभी जाकर चुल्लू पर पानी पी के डूब नहीं मरूंगा, सजदे में गिर जाऊंगा। और हम एक बार फिर से अकबर भाई की कैंटीन पे छापा मारने, अरे खोलेंगे दरवाजा, अरे आइसक्रीम किधर है, तो पूरी पैक्ड है, छोटे पे लगा हुआ, वो तो नाश्ते में करवा रहे हैं। हॉस्टल हम पहुंच गए हैं, गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, आज दूसरी जगह पे लगा दी है। इसमें मैंने कई बार जगह मतलब बना बना के गाड़ी पार्क की होगी, फिर कुछ देर के लिए मैं निकालता हूँ, कोई दूसरा लाके रख देता है, कब्जा होता रहता है, जैसे हॉस्टल रूम्स में कब्जा होता है वैसे यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए पार्किंग में भी कब्जा होता है। और एक और चीज कब्जा से याद आया, मेरे पास लोग अभी जो नए एडमिशन वाले मिलते हैं, कहते भाई आपके ब्लॉग देखकर हम एमयू में एडमिशन ले लिए, बट आने के बाद पता चला यहाँ पे रूम मिलता ही नहीं है, कई दिनों तक पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठे रहो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह के लोग एक हॉस्टल में रह रहे के उनकी आबादी बढ़ चुकी है, तो वो दूसरे किसी बाहर वाले को आने नहीं देते, तो नेपोटिज्म है यहाँ के हॉस्टल्स में, मैं बता देता हूँ, और सच बात है बता दे रहा हूँ, कोई उसमें ना रहे कि आओगे आराम से आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा अगले 1-2-3 साल तक, 3 साल जैसे मैं रहा था, तो नेपोटिज्म वाला मसला यहाँ के हॉस्टल्स में, सौ की सीधी बात, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मैं यहाँ पोल खोले नहीं बैठा हूँ, बस मेरे को देख के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो फिर डिलेमा में ना रहे कि आके भाई तो बताया नहीं है सर, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आओ अपने रिस्क पे, बाहर ही रहना पड़ेगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नया इंस्टाग्राम हैंडल जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे स्टोरीज पे नई नई कुरान हदीस से रिलेटेड चीजें डालता रहता हूँ, और रील्स भी काफी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, तो जाके आप फॉलो करो, लोगों को शेयर करो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल उसको जाके फॉलो करो, उस पर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उस टेलीग्राम चैनल पे, मैं उस पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।